25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो है बहुत ही शानदार है। देखिए, इस साल दीपावली का जो त्यौहार है बिल्कुल ही यह सूर्य ग्रहण के साए में होगा। 24 अक्टूबर को दीपावली की जो हम त्यौहार मनाएंगे और इसके अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। चूंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगता है और दीपावली जो होता है अमावस्या तिथि पर होता है, तो इस बार जो कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि दीपावली की रात से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो सूर्य ग्रहण है भारत में बिल्कुल ही आप आसानी से आंखों से देख सकती हैं। जो अपने मन के सूर्य ग्रहण थे उसे आप जो आंखों से नहीं देख पाए थे वह भारत में मान्य नहीं था, लेकिन जो अभी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा यह भारत में मान्य होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, जो 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा था वह भारत में नहीं दिखा था, और ये जो अभी सूर्य ग्रहण लगेगा ये 4 घंटे 3 मिनट का होगा। इसे भारत में आंशिक रूप से देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण का आरंभ 25 अक्टूबर को दिन 2:29 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन 6:32 में होगा, जो कि 4 घंटे और 3 मिनट को लगेगा। देखिए, जो ग्रहण होता है एक प्रकार की हम इसे खगोलीय घटना भी बोल सकते हैं। जो ग्रहण काल होता है इस समय में कुछ सावधानी भी रखना चाहिए। पूरे ध्यान से देखिएगा तब आपको जानकारी समझ में आएगा। अगर आपके वीडियो मिस कर दिए तो सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपने आपको कुछ ग्रहण काल से जुड़ी हुई भी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए, सूतक काल कितना बजे लगेगा और गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कितने बजे लग जाएगा सूतक काल। तो सूर्य ग्रहण का नियम होता है 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो देखिए, 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाएंगे, 2:29 में सूर्य ग्रहण शुरू होगा, तो इसके हिसाब से सूतक काल दिवाली यानी कि दीपावली जो रात है 24 अक्टूबर ये 2:30 पे शुरू हो जाएगा सूतक काल। ये भारत में सूतक काल 25 अक्टूबर के सुबह 4:22 तक लागू हो जाएगा। इस बार का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, 25 अक्टूबर को अपने से अधिकतर लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी क्या गोवर्धन पूजा करें या ना करें। तो दीपावली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा करते हैं सभी लोग हमारे हिंदू भाई। तो देखिए, सुबह सूतक के नियम लागू हो जाएगा, इस कारण इस समय आपको पूजा पाठ बिल्कुल ही नहीं करना है। 26 अक्टूबर को आप जो है गोवर्धन पूजा मना सकते हैं, इस समय जो सूतक काल नहीं रहेगा। मंदिर की कपाट इस दिन बंद कर देना चाहिए, खाना पीना जो सैन्य सब वर्जित कर देना चाहिए। इस वीडियो में आपको बताने की प्रयास करूंगा क्यों लगते हैं सूर्य ग्रहण, फिर इस वीडियो में फिर आपको बताऊंगा सूर्य ग्रहण में क्या ना करें और सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण की कथाएं के सूर्य मंथन से जुड़ी हुई कथा, प्राचीन काल में देवता और असुर ये दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किया था, और इस मंथन में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा 14 प्रकार के रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में जब अंतिम रत्न अमृत निकला तो इसके लिए देवता और दानव ये दोनों के बीच में युद्ध होने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहनी रूप धारण किए, मोहनी अवतार लिए और देवताओं को अमृत पान करवाने लगे। उसी समय राहु नाम के असुर ने भी देवताओं को वेश धारण करके अमृत पान कर लिया। चंद्र और सूर्य ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दे दी। विष्णु जी ने क्रोधित होकर के राहु का सिर धर से अलग कर दिया। देखिए, राहु अमृत पी लिया था इसलिए उनके अमर हो गया। तभी से राहु जब चंद्र सूर्य को अपना शत्रु मानता है और समय समय पर इन ग्रहों को ग्रसता है, सताता है, इनको बिल्कुल ही निगलता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। देवताओं ने भी आशीर्वाद दिए, जो राहु है ये जो है चंद्र और सूर्य को अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन ग्रस्ता है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। अब जानते हैं वैज्ञानिक महत्व। तो दोस्तों, ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य जब ये सब मध्य से होकर गुजरती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तब पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दिखता है, इसे हम चंद्र ग्रहण बोल सकते हैं, सूर्य ग्रहण बोल सकते हैं। सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ हल्क से दिखाई देने लगती है, इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में जानते हैं सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो ध्यान से देखना। और अभी तक कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे तो जय श्री राम जरूर लिख देना, क्योंकि कवि प्रभु श्री राम ग्रह चंद्र ग्रह से आपको बचाएंगे।
तो ग्रहण काल में क्या करना है और ग्रहण काल में क्या नहीं करना है, सर्वप्रथम जानते हैं ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहण काल में सोते हैं ऐसे व्यक्ति रोगी हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य ही ये नरक का देवता कहे गए हैं, प्रकाश के देवता कहे गए हैं, जो राहु ऐसे अंधकार का देवता कहा जाता है। तो सूर्य ग्रहण काल में, जी हाँ ध्यान से सुनना, सूर्य ग्रहण काल में कोई व्यक्ति सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में रोग पनपने लगता है, रोग आने लगता है। ग्रहण काल में कदापि भी ये करके नहीं सोना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके ग्रहण काल में मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जो मंत्र लंबे समय से सिद्ध करना चाहती है सिद्ध नहीं हो पा रहे, इस मंत्र ग्रहण काल में केवल जपने मात्र से सिद्ध हो जाती है। ग्रहण काल में खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ग्रहण काल में खाना खाते हैं तो सूर्य को पीड़ा पहुंचता है, क्योंकि सूर्य को इस समय राहु निगल लेता है। तो इस समय अगर आप कोई व्यक्ति खाना खाते हैं तो सूर्य के अंश से हर व्यक्ति के शरीर में रहता है, तो इसे सूर्य को पीड़ा पहुंचता है और भोजन अशुद्ध रहता है। इस समय जो भोजन होता है अशुद्ध होता है। इस प्रकार के भोजन खाने से ये भोजन आपको प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये भोजन राहु को प्राप्त हो जाता है, इसे सूर्य को पीड़ा होता है। इस समय गर्भवती महिला घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अगर कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा जरूरी क्यों ना हो, ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर में बाहर निकलता है तो जो उनके पेट में बच्चे पले, शिशु पले, इनके जीवन में काफी नकारात्मक प्रभाव दिखता है। इतना शरीर अंग भंग होने का भी खतरा रहता है। तो विशेष रूप से माता बहनें ध्यान रखें, जो गर्भवती महिलाएं या ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकले। ग्रहण काल में घूमना भी नहीं चाहिए। बहुत से जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, ग्रहण काल में घूमते हैं। ग्रहण काल में अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण का प्रभाव होता है बाहर निकलने से, इनकी जो आपके ऊपर पड़ने लगेगा, इनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगे तो आपके जीवन बर्बाद भी हो सकता है, तहस नहस भी हो सकता है। इस समय पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंदिर के दरवाजे हैं, पटे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मंदिर को खोलने से मंदिर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। पूजा पाठ करने से इनके विपरीत आपको असर देखने लगते हैं। ग्रहण काल में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। धर्म शास्त्र कहता है कोई अगर महिला भूल कर भी ग्रहण काल में झाड़ू लगा देते हैं तो ऐसे घर में दरिद्रता, ऐसे घर में कुलक्ष्मी आ जाती है, जिससे पूरे घर का वातावरण अशुद्ध हो जाता है। व्यक्ति के फिर कितने भी रहने वाले लोग रहते हैं, इनके जीवन नरक जैसा गुजरता है, या फिर पीड़ित हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार के रोग से बड़े रोग में ग्रसित हो जाते हैं। इस समय घर में दूध बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप दूध रखे हैं घर में तो तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। इस समय हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं दूध राहु का प्रतीक माना जाता है, इससे राहु बहुत ही आकर्षित होता है। तो इसे हम इस समय दूध बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें और घर में जो दूध बिल्कुल भी ना पिए, और दूध पदार्थ का जो ग्रहण काल है, राहु काल है, इस समय बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत सारे तहस नहस होने लगते हैं, जीवन बर्बाद के कगार पर आ जाता है, क्योंकि राहु की इस समय कुदृष्टि लग जाता है। क्योंकि आप जब दूध पीते हैं तो इस समय सूर्य खुद दूध प्रकार के दूध को अमृत बनाता है, लेकिन इस समय ग्रहण काल में दूध पीते हैं तो विष बन जाते हैं राहु के प्रभाव से, क्योंकि राहु दूध को प्रेजेंट करता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनना, ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण लगने के कारण ये अपना जितने भी प्रभाव होता है संपूर्ण स्थान पर फैलाता है। तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में गलती से गंगा जल नहीं है तो गौमूत्र का भी छिड़काव कर सकते हैं, इतना ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, अगर ग्रहण काल में आप भोजन करना चाहते हैं तो भोजन में तुलसी के पत्ते डाल करके कर सकते हैं। ग्रहण के पहले तुलसी का पत्र आप पहले से भोजन बनाकर रखे तो डाल सकते हैं, और जो ग्रहण काल है उसमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। और भोजन बना करके रख चुके हैं तो तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, पवित्र हो जाते हैं। ग्रहण के बाद घर में सुगंधित धूप का धुएं दिखाना चाहिए और आपके जो इष्ट हैं उनके बीज मंत्र का ध्यान करना चाहिए। आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके बीज मंत्र का ध्यान, इसे फायदा होता है कि आपके जो घर में राहु का प्रभाव नहीं पड़ता। और हाँ, ग्रहण के बाद गौ माता की, ध्यान से सुनना, ग्रहण के बाद गौ माता की पूछ या फिर गौ माता के सिर, गौ माता के पैर, ये तीन हिस्से को जरूर छूना चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहण काल में गौ माता के तीन हिस्से को छू लेते हैं ग्रहण काल के बाद में, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन राहु नहीं सताते। ऐसे व्यक्ति के ऊपर राहु अपने कभी भी अपनी बुरी नजर नहीं सताते हैं।
ग्रहण काल में हो सके तो ग्रहण काल निकल जाए तो गंगा जल आप छिड़काव कर ले, गौमूत्र का छिड़काव कर ले, घर का वातावरण शुद्ध कर ले। इसके बाद जो घर में बीज मंत्रों का आवश्यक चालू कर ले, जो भी बीज मंत्र है जैसे कि ओम नमः शिवाय है, ओम दुम दुर्गाय नमः है, ओम नमः भागवती वासुदेवाय है, इस प्रकार के जो बीज मंत्र कहे गए हैं, इस प्रकार के बीज मंत्रों का जाप करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। ग्रहण काल में छोटे बच्चे को घर से बाहर बिल्कुल भी निकालने देना चाहिए। छोटे बच्चे घर से बाहर चले गए हैं और ग्रहण के बाद भी आ रहे हैं तो ऐसे बच्चे के सर पे थोड़ा सा गंगाजल जरूर छिड़काव कर देना चाहिए, इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। और ग्रहण काल के बाद एक बार विशेष ध्यान रखना, तुलसी माता के ऊपर में जरूर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आप हो सके तो ग्रहण काल के बाद स्नान कर सकते हैं। ग्रहण काल के बाद स्नान करना अति उत्तम माने गए हैं। अब ग्रहण से पहले तुलसी के थोड़ा सा पत्ते रख लेना, सूखा पत्ता, तुलसी मिट्टी रख लेना, गौमूत्र रख लेना, गंगा जल रख लेना और गौ माता के जो पैर का धूल है ये रख लेना। ये नहाने के पानी में डाल के स्नान करती है। आजीवन कभी भी आपको राहु हो, केतु हो, कोई भी निज ग्रह हो, ग्रहण काल के बाद आपको नहीं सताते, आप सदैव सुरक्षित रहेंगे। तो यदि ग्रहण काल के बाद किए जाने वाले कुछ विशेष जानकारी, ग्रहण काल के समय में क्या नहीं करने चाहिए, क्या करने चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊं। ये जानकारी आप सभी दर्शकों को कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।